क्या करती हैं अक्षता जी आप? MBA परसू कर रही हूं। MBA कर रही हैं। उम्र कितनी है आपकी? 21 उम्र है आपकी। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं आपके अनुसार, बिजनौर में चुनाव चल रहे हैं अभी जी, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, महिलाओं की क्या क्या मांगे होनी चाहिए सरकार? सबसे महिला की बीजेपी की सरकार में हमें ये मिला कि सबसे पहले सेफ्टी, क्योंकि अगर मैं अगर रात को, मतलब मेरे पेरेंट्स पहले जब अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश की गवर्नमेंट थी, तो उसमें ये होता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे खुद को बाहर नहीं निकलने देते थे। मतलब बाहर, मतलब क्या, जैसे अगर मतलब ये लगा लीजिए यहाँ से मेरे घर से मार्केट बहुत दूर है, तो मतलब और फिर थोड़ा जंगल वाला एरिया भी हो गया, सुनसान एरिया भी हो गया, तो मुझे बाहर निकलने में उन्हें दिक्कत होती थी कि फिर कोई ना कोई मेरे साथ जाता था। पर देखा जाए बीजेपी की गवर्नमेंट में, योगी की, उसमें मैं रात को अगर 8:30 बजे अकेली भी आ सकती हूँ, 9 बजे भी अकेली आ सकती हूँ, कभी भी मुझे अगर ट्यूशन भी जाना है, मुझे किसी का साथ की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही कंफर्टेबल हूँ, ये मेरा मानना है। तो आपके अनुसार योगी जी सरकार बेस्ट रही है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, रोजगार मिल पाया नहीं मिल पाया? क्यों नहीं मिला है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। जो लोग कह रहे हैं हमें, हम बेरोजगार हैं, हमें कुछ काम नहीं मिला, बेरोजगार है कि योगी की सरकार में, वो बेरोजगार कौन है जो 2 नंबर का काम करते थे, जो सीधा कट्टा बट्टा ये सब ना, मतलब बेचने में वो करते थे, वो लोग बेरोजगार हैं। तो आपको अभी तक योगी जी का बेस्ट लगी है? बेस्ट लगी है। बीजेपी को अच्छा बता रही है, और क्या क्या अच्छा काम किया है? सबसे अच्छा काम उसने हिंदूज के लिए ये करा है कि वहाँ पे राम मंदिर बनाया, मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बनाया, क्योंकि वहाँ पे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, जो अभी तक वहाँ पे मस्जिद थी, मुगलों ने वहाँ पे मस्जिद बनाई थी, वो मस्जिद तोड़वा कर राम मंदिर बनाया है वहाँ पे, मतलब हिंदूज के लिए यही है सबसे बड़ा काम। आप हिंदुत्व के लिए बीजेपी पर जाएंगे, महिला की सुरक्षा के लिए? हाँ जी, जय श्री राम जी। आपका? मेरा नाम डॉक्टर संजीव विश्वास है। क्या करते हैं डॉक्टर साहब आप? मैं प्रैक्टिस करता हूँ उत्तराखंड में। प्रैक्टिस करते हो? हाँ। युवा हैं? मैं युवा हूँ। युवाओं को इस बार क्या क्या मांगे हैं सरकार से? कोई भी, देखो सरकार से हमारी खाली ये मांगे, जो हमारे नौजवान भाई है जो भी है, वो बेरोजगार है इस टाइम बहुत ज़्यादा, तो उनको रोज़गार मिलना चाहिए। दूसरी बात है, जो महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, उसको थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि बीजेपी की सरकार हमें इतना देखो कुछ खास नहीं लगा, जब से सरकार आई है 5 साल में, वोट कड़ा है हमने, मगर अब के बार नहीं किया है उनको वोट, इस वजह से नहीं किया कि बहुत ज़्यादा महंगाई जो हो चुका है। सरसों का तेल तुम्हारा 200 रुपये किलो, जो 100 रुपये किलो था, प्लस आप पेट्रोल डीजल की देख लो, 100 रुपये वो पार कर रहा है, खाने का सामान हो गया। दूसरी बात यह है कि महंगाई दाल में देख लो, सारी चीज़ें में देख लो। मेन पॉइंट जो मेरा ये है, जो बेरोजगार लड़के जो MBBS कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, प्लस BTech कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, उनका जॉब का जो समस्या, सबसे बड़ा समस्या वो है, जब तक उनका ही निर्धारित इस सरकार में नहीं निकल सकता और जो युवा है वो बेरोजगार है, तो हम जाहिर सी बात है हम इस सरकार को हटा के हम चाहते हैं कि नई सरकार आए, युवा सरकार आए, कोई युवा नेता है जो युवा का जो मन का भावना उसको समझे, उस तरीके से चले, हमको यही चाहिए और कुछ नहीं। बदलाव चाहिए आपको इस बार? बदलाव पूरी तरीके से बदलाव चाहिए, और इस तरीके का बदलाव चाहिए, कोई हमारे जो नौजवान भैया है जो पढ़े लिखे हैं वो जो बेरोजगार ना हो, और महंगाई की मार आप देख रहे हो, गरीब से गरीब आदमी परेशान है। हमारे मोदी सरकार जी कहते हैं कि इंदिरा आवास दिया है, आप गाँव में चलो शहर में चलो, मैं ये नहीं कहता कि मिला नहीं है, मगर 100% में से ओनली 10% को मिला है, और 10% के अलावा नहीं मिला है। और रही बात, कहता है बदमाशी ख़त्म हुआ, बदमाशी दूर दूर तक ख़त्म नहीं हुआ है, बदमाशी अभी भी चल रहा है, मगर कह नहीं सकते, सरकार का प्रेशर इतना रहता है कि एक तरफा FIR लिखा जाता है, एक तरफा FIR नहीं लिखा जाता है। मगर सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा है वो इस पर है कि जो हमारे युवा साथी है जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे, और पढ़ने के लिए सरकार अगर उन्हें फ्री में पढ़ाई कराती तो हम बेरोजगार हो सकते थे। अगर पैसा माँ बाप ब्याज पे लेके पढ़ाई कराता है और अगर नौकरी नहीं मिलता पढ़ने के बाद वो बेरोजगार हो जाता है, तो सबसे एक सर्वशार जो कहते हैं कि मन से ये बात नहीं निकलता है कि उनको पता होता है कि ये चीज़ क्या है, जो माँ बाप पैसे लेके, बदलाव चाहिए आपको? बस बिल्कुल बदलाव चाहिए। गया चल राठी। राठी जी क्या करते हैं आप? खेती। खेती करते हैं। मील की पेमेंट के क्या हाल है आपकी? मील की पेमेंट आपका तो कुछ सही से दे रही है, लेकिन बिलाई मिल ने अभी तक, हाँ कुछ मिल हमारे बिजनौर के ऐसे हैं जो पिछले साल का रुक रहा बिलाई मिल पर हमारे, और अच्छा, यहाँ का जो विधायक था ना यो सही नहीं था, यही कारण से ज्यादा हो रहा बिजनौर के अंदर हमारे। हाँ यानी वैसे स्थिति स्थान रखी है, सब बढ़िया हो रहा, ऐसा विधायक भी वो भी नहीं मिलने का हमें, जो मुख्यमंत्री आज तक होया और ना आया। अच्छा रही हो 2000 की बात, हमें तो आज तक एक बार आने के बाद दोबारा पैसे भी नहीं मिले, फिर भी हम भाजपा के ही खास आदमी क्यों,
इसके जो काल में एक तो झगड़ा नहीं हो रहा कहीं भी, हिंदू मुस्लिम का कहीं झगड़ा नहीं हो रहा, बहुत सहनशीलता से काम हो रहा, कहीं भी औरत जा रही है हमारी, चाहे चीज भी पैर रखी कोई तू से बह कहने वाला नहीं, बहुत सही ढंग से हो रहा। अच्छा वैसा खाद की भी किल्लत नहीं रही अपनी इसके उसमें राज में, खाद भी हमें जो सही मिला, बीज भी सही मिला, सब सही रहा है। हाँ गन्ना पेमेंट भी हमारे मिल का बढ़िया हुआ है इनका, बस लेट तो भाई हो गया क्योंकि उधर कई पार्टी और थी, उलट पट हो गई, कोई शासन ही नहीं करने दे रहा था, इन्हें क्या करते सरकार बढ़िया है अब। हाँ ठीक आपका कपिल लाठी, कपिल लाठी। हाँ जी कपिल जी क्या करते हैं आप? जी भाई खेती करते हैं, खेती करते हैं। किसानों की क्या क्या मांगे हैं इस बार? किसानों की मांग तो आज लोग इससे पूरी हुई ना जी। ऐसी क्या मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई? किसानों की मांग तो कोई भी सरकार आ जाओ पूरी करने की ना, ये जो कुछ की कुछ करेंगे ना किसान, किसानों को तो जो मिल जाए वो थोड़ा ही है। बाकी जो चुनाव हो रहे हैं क्या होना चाहिए इनमें आपके अनुसार? चुनाव में जी योगीनाथ आने चाहिए दोबारा। अच्छा क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं किसानों के लिए, कैसे रहे हैं किसानों के लिए भी बढ़िया रहे। अच्छा आवारा पशु की किसानों की बड़ी समस्या है भाई, ये समस्या कह रही कितनी बार भगाने जाते हैं? एक बात सुन लो, आवारा पशु भी छोटे भी तो हम नहीं है, योगी जी या मोदी जी ने तो छोटे नहीं है, उन्होंने तो उन्हें कटने से बचाया, तो आप कहते योगी जी बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ठीक क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल समद आज़ाद है। अब्दुल समद आज़ाद मेरा नाम है। आज़ाद बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। इस बार जो चुनाव चल रहा है किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है आपके? चुनाव सबसे पहला तो मुद्दा है विकास का। लोग झूठ बोलते हैं कि हमने विकास कर दिया विकास कर दिया विकास कर दिया। अब तक जो कुछ भी हिंदुस्तान में हुआ है, चाहे वो शिक्षा के मैदान में हो, कारोबार के मैदान में हो, वो सब का सब कांग्रेस ने किया है। वो देश जो भूखा नंगा देश आज़ादी के बाद मिला था, उस देश में जो अन्नदाता कहलाने वाला भी रात को भूखा सोता था, आज अगर वो इस मुकाम तक पहुंचा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की मेहनत कहा जा सकता है। तो मेन जो मुद्दा होता है वो होना भी वही चाहिए कि हमारी जनता का विकास कौन कर सकता है, हमारे बच्चों की शिक्षा कौन कर सकता है, हमें नौकरियां कौन दिला सकता है, हमारा कारोबार कौन बेहतर चला सकता है, वही देश पे राज करने का हकदार है। अब जो बीच बीच में पार्टियां आई हैं उनके अलग अलग मुद्दे रहे हैं, किसी का हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहा है, किसी को दलितों का मुद्दा रहा है, किसी का यादव का मुद्दा रहा है। मेन जो कांग्रेस है वो आज भी सबकी पार्टी है और सबकी ही रहेगी। उसने जो कुछ भी किया, चाहे वो मनरेगा हो वो सबके लिए किया, RTI दिया सबको दिया, किसान का कर्जा माफ़ किया सबका किया, आधार कार्ड दिया सबका दिया, 2 रुपए किलो गेहूं दिया, 3 रुपए किलो चावल दिया वो सबको दिया। तो वो देश जो कभी भूखा नंगा हुआ करता था आज इस मुकाम तक पहुंचा है। अब जो मौजूदा पार्टियां हैं वो सिर्फ इश्तहार में बताती है हमने विकास कर दिया विकास कर दिया विकास कर दिया। तो आपके अनुसार कांग्रेस की सरकार आ रही है? देखिए उत्तर प्रदेश में तो अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ पहले से तरक्की करेगी और इंशाल्लाह इस काबिल है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने से रोकेगी। बन तो नहीं रही कांग्रेस की, तो नहीं बन रही, हमें भी दिखाई दे रहा है कि यूपी में हालांकि 5 राज्यों में सरकार है और 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है यूपी को छोड़ के, लेकिन यूपी में भी इतनी है कि हमारी सत्ता की चाबी हमारे हाथ में रहेगी, हम जिसकी चाहेंगे सरकार बनवाएंगे, गठबंधन करेंगे किसी से, समर्थन करेंगे, भले ही चाहे हम बाहर से करें या अंदर से समर्थन करेंगे। ठीक मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी आप क्या करते हैं? किसानी करता हूँ जी। आप भी किसानी करते हैं? बिल्कुल जी। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार किसानों के? किसानों के तो सारे मुद्दे हैं, समस्या क्या क्या है? समस्या अरे ये तो बहनचो बहुत झूठे हैं, झूठे नहीं महा झूठे, अगर इन्हें कोई सी रोड पर निकाल दो तो कपड़े इनके हाथ नहीं आने के, लोग फाड़ देंगे कपड़े इनके, इन पर और है क्या सिवा झूठ बोलने के सिवा? किनकी बात कर रहे हैं आप? मैं BJP वालों की बात कर रहा हूँ, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है सिवा झूठ बोलना, कभी हिजाब लिया है कभी मंदिर लिया है, क्या है इनके पास? सिलेंडर कंधे पर ठाव फिरे करे थे जो कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम सब्सिडी का 6 सिलेंडर देंगे, क्या करा था इन्होंने, कितनी रोल मचाई थी, आज सिलेंडर भी 12 दे रहे हैं, सब्सिडी 1 रुपए की नहीं है, 1,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, क्या है जी बताओ?
इनके पास कोई मुद्दा नहीं है किसान के लिए, झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। किसका पलड़ा भारी लग रहा है अब तो गठबंधन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। गठबंधन इसके अलावा कुछ है ही नहीं, पूरब से पश्चिम तक सफाया देखना रहे आप। योगी मोदी अमित शाह गलियों में घूम रहे, वोट मांग रहे हैं। देखा था कभी आपने? नहीं है वहाँ देखा था आपने? गए थे वहाँ 13 महीने क्लास लेगी स्कूल चला, वो कोई शब्द बोला कोई से नहीं बोला। कितने किसान मरे वहाँ पूछा किसी ने? किसानों में नाराजगी है बहुत, किसानों में नहीं आम जनता में नाराजगी है, इसलिए बदलाव चाहिए। बदलाव पूर्ण रूप से बदलाव, इन्हें मंदिर में भेजना दोनों को एक को 22 में और एक को 24 में जाइए मंदिर। अरे कौन सा गाना था जी वो, अरे चल सन्यासी मंदिर में, तो इनका काम तो वही होना है, बस मंदिर जाने वाले हैं। मेरा नाम हरीश पाल है। क्या करते हैं हरीश जी आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है। चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए आपने, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के? जी चुनाव का मुद्दा डेवलपमेंट होना चाहिए और जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और वुमेन सेफ्टी और भी एक दो मुद्दे हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट है नहीं है? रोजगार तो भैया इस टाइम कोरोना पीरियड को देखते हुए फिलहाल जो 2019 में निकला है, 2020 में और 21 में भी, तो ये रोजगार तो है नहीं बिल्कुल भी। बाकी यूथ जो है और युवा वो तो सड़कों पे पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में पड़ गए, अपना जीवन बर्बाद कर रही है। पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं रही, एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कितना बच्चा पढ़ रहा है और कितने एग्जाम दे रहा है वो उसे ही पता है। प्रैक्टिकली फील्ड में घुस के देखा जाए तो 0.0 है यार, यूथ जो यूथ जनरेशन है। ठीक है अब चुनाव आ गया, यूथ को लगा दिया आगे, वो सरकार की अलग नीति है। फिलहाल कोविड को देखते हो, इसका रेशियो देखिए, अब चुनाव के बाद अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाती है तो बदलाव होना चाहिए। वैसे आपके अनुसार बदलाव तो देखो सरकार आएगी जब ही पता चलेगा, नहीं जैसे सरकार थी 5 साल में, इस बार बदलाव चाहते हैं, यही सरकार चाहते हैं दोबारा जी? देखिए सरकार देखो फिर से बीजेपी की आएगी, बदलाव तो करेगी, दूसरी भी आएगी तो बदलाव होगा। नहीं मैं सरकार का बदलाव चाहता हूँ। सरकार का भी चाहते हैं मगर पहले तो इलेक्शन अभी 6 बजे तक खत्म हो जाएगा, मार्च में 10 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा उससे पहले हम क्या बोले। क्या नाम है आपका? रविंद्र तड़ियाल। आप क्या करते हैं रविंद्र जी? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करता हूँ, सही चल रहा है सब काम धंधा? सब बढ़िया चला। 5 साल कैसे निकले हैं? 5 साल बढ़िया निकले हैं। बढ़िया कैसे निकले, क्या क्या हुआ है 5 सालों में? 5 साल में सारे विकास हुए हैं। सबसे पहले तो राष्ट्र का मुद्दा होता, राष्ट्रवाद का जो रास्ता है वो हमारे इस यूपी से ही निकलता। यूपी का मतलब जो क्षेत्र, अगर विकास है क्षेत्र में, सुरक्षा है, तब वो मुद्दा हमारा आगे निकलता। सबसे पहले तो राष्ट्र है, उसके बाद फिर और छोटे मोटे मुद्दे होते हैं। आपके अनुसार भाजपा ने विकास कराया है? जी राष्ट्र के हित की पार्टी है, राष्ट्र के। आप भाजपा का नाम मत लीजिए, मैं सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए कहूँगा, जिसने समझना होगा वो समझ जाएगा कि वो किसके कह रहा है। आजकल स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर कोई ये कहता है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ तो उसे वो कहते हैं कि वो बीजेपी वाला है। अगर वो ये कहे कि अगर कि मतलब कोई इधर उधर किसी को तोड़ने की बात कहे तो फिर समझ जाते हैं कि ये दूसरी पार्टी के हैं, ये उसका नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी का हूँ, न इससे मतलब है। बीजेपी भी कोई चीज़ नहीं है, सबसे पहले राष्ट्र है। राष्ट्र अगर सुरक्षित है, देश बाहर सुरक्षित है, हमारा प्रदेश सुरक्षित है, उसके बाद हमारा जो काम है फिर विकास का काम बाद में है, अंदर की सुरक्षा होगी तो बढ़िया निकले, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्या आनी चाहिए सरकार? अब देखो राष्ट्रवादी की सरकार आनी चाहिए, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा। देखो जो भी आपके चैनल से मेरे माध्यम से मेरी मतलब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसे जो भी सुनेंगे वो ये समझ जाए कि इसके पीछे देश हित अगर है हमें उस पार्टी को चुनना है। यूँ तो खुला का आदमी कह सकता है कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, उसे दूंगा, इसे दूंगा। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी का नाम मत लो, काम वो करो। हमें अगर हम यहाँ कोई हमारी पार्टी जीतती है हमारे देश में खुशी होनी चाहिए, अगर बाहर पाकिस्तान में खुशी हो रही है तो इसका मतलब हम अपने सही जगह हमने वोट नहीं डाला है।
हमने अपने दुश्मनों को खुश करने वाला काम किया है, हमें वो काम करना है जिससे हमारा देश खुश हो। तो आप मतदान राष्ट्रहित में करके आए? राष्ट्रहित में मतदान किया है। जिसको समझना है वो समझ ले अपने आप राष्ट्रहित में। बिल्कुल, समझने वाले भी समझेंगे, जो जो दूसरी पार्टी के हैं वो भी समझेंगे कि इन्होंने वोट किसे दिया है। ठीक है ना, और कोई सवाल आपका? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तनवीर चौधरी है। तनवीर क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट और जैसा कि मेरा मानना है, सरकार इस टाइम पूरी पूरी घबरा गई है। जो सरकार ने जुल्म किए हैं किसानों के ऊपर और जो सरकार ने जुल्म किए हैं विद्यार्थियों के ऊपर, उस चीज़ से किसान घबरा गई है। देश का केंद्रीय मंत्री कैराना में घर घर जाके वोट मांगना, आप उस चीज़ से समझ लीजिए कि सरकार कितना घबरा गई है और कितना सरकार को नुकसान होने वाला है। किसान देश का अन्नदाता है, ये गन्ने की लड़ाई है, ये रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने का। अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है ये भाजपा को हराने के लिए बना है और भाजपा हार रही है। भाजपा के नेता डरे हुए हैं, योगी जी चले गए हैं, योगी जी तोड़ने का काम करते हैं और अखिलेश यादव जी जयंत चौधरी जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज बिजनौर में तो वोटिंग हो गई है और जहाँ अगले चरण में वोटिंग होगी, भाईचारा के नाम पर वोट दें, अपना वोट बिल्कुल ख़राब ना करें। इस सरकार के कहने में आके, बहकावे में आके वोट ख़राब होगा और ये जो बदलाव है, भाईचारे का बदलाव हो रहा है, गन्ने को बचाने के लिए वोट दें, क्योंकि किसान जो है देश का अन्नदाता है, देश को खाने के लिए किसान दे रहा है। किसान जो है खेत में परेशान है। तो मैं सब भाइयों से, सब बहनों से, सब बुजुर्गों से अपील करना चाहूँगा कि भाईचारे के नाम पर वोट करें, बदलाव देश में होगा, होकर रहेगा। मैं भाई साहब ये कहना चाहूँगा। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम साजिदा है। साजिदा जी, आप क्या करती है साजिदा जी? जी मैं तो हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ जी। मतदान चल रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए महिलाओं के अनुसार? महिलाएं हैं आप जी, गुंडागर्दी दिखती है, कुछ नहीं दिखती है? गुंडागर्दी भी दिखती है, मतलब यह है कि हमने तो सबसे पहले रोजगार नहीं मिला इस सरकार में। रोजगार की समस्या रही जी, हमारे लिए तो सबसे ज्यादा समस्या है कि रोजगार नहीं मिला, हम पलटी के घर में बैठे हैं। तो हमें जी, तो हमें रोजगार चाहिए। हम इसलिए चाहें कि हमें इस सरकार से अनुरोध, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार के मुद्दों पर अगर चुनाव हो तो दूसरी सरकार की होना चाहिए, नहीं तो यार सरकार वैसे सही है कि वैसे ही सहायता इन्होंने बहुत करा, जैसे राशन की वैसे भी गरीबों की सहायता करा, लेकिन इस रोजगार नहीं दे पाया सरकार, असफल रही है सरकार। अच्छा, रोजगार कौन दे पाएगा आपके अनुसार? यही करेंगे भैया सरकार, देखो हम तो यही कहेंगे जब सख्त चुनाव हो रहा है, भाई दूसरा सरकार उम्मीद रखते हैं कि हम दूसरा सरकार आए, मुलायम सिंह की हो या मायावती की हो, तो इसमें हमें रोजगार मिलेगा, ये उम्मीद है। अब क्या पता वो सरकार आने के बाद सत्ते में बैठने के बाद क्या करेगा, ये बात मैं पूरी कह नहीं सकती। परिवर्तन, हाँ हमारे हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए इस बार, क्योंकि परिवर्तन होगा तभी सरकार कुछ चेंज करेगा। क्योंकि आज योगी ने हमें गेहूँ चावल फ्री खिलाया है तो उसे याद तो करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ लिख के घर में झाड़ू लगाते हैं और हमें रोजगार नहीं मिलता तो हमें तकलीफ होता है कि देखो गेहूँ चावल खा के तो पेट भरते नहीं है सिर्फ, बाकी रोजगार के बिजनेस की ये चीज भी होनी चाहिए। अगर बिजनेस है, रोजगार है, सब पढ़े लिखों को सर्विस है तो ही जिंदगी सफल है, वरना हमारे लिए जिंदगी बेकार है, नरक से भी बदतर रहते हैं पढ़े एजुकेटेड जिंदगी जो घर में करना पड़ता है काम। इसलिए सभी महिलाओं को, पढ़ी लिखी जितने महिलाएं, हम सही ही सरकार से अनुरोध करके तो उन्हें रोजगार देनी चाहिए, महिलाओं को भी और जो भी लड़के हैं, जो भी है मतलब भाई बहन है, सबको जो पढ़े लिखे उसे रोजगार होने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। हमें रोजगार से समस्या है, हमें रोजगार होनी चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार रोजगार चाहिए हमें, सरकार किसी की भी हो रोजगार चाहिए, एक महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और आपस में भाईचारे में कोई मतभेद नहीं होने चाहिए कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में, ये चीज इंसानियत होनी चाहिए समाज के अंदर, हम यही चाहेंगे कि इंसानियत हो। क्या नाम है आपका? डॉक्टर निर्भय सिंह। निर्भय सिंह जी, निर्भय जी क्या लग रहा है इस बार, क्या रुझान चल रहा है? रुझान देखिए साहब, यहाँ का रुझान जो है मुस्लिम वोट 85% जा रहा है नल पे, मिसलेनियस वोट जिसे खिचड़ी वोट कहेंगे वो मैक्सिमम क्या 100% वो बीजेपी का है। जाट अब से पहले नहीं बट रहे थे, रात में जाट 40-60 का रेस हो गया, 40 कमल और 60 आपका नल। तो ये सर्वे, पूरे सर्वे कह रहे इलाके के, जो मैं सुबह से देख रहा हूँ कि कमल निकल रहा है। आपके अनुसार सरकार किसकी आनी चाहिए वैसे? सरकार देखो जी, पैसा अलग चीज़ है,
कि मैं पैसा है मेरे पास, मैं कमाया सुबह, सपोज करो मैंने 1,00,000 रुपए कमाए, घर में आके रख दिए और लठ लेकर बैठ गया कि कोई ले ना जाए। सेफ्टी मेन मुद्दा है, सेफ्टी, बाकी कुछ नहीं है। तो सेफ्टी दे रही है योगी, योगी की सरकार आनी चाहिए। ठीक, नाम है आपका? अमीजन कश्यप। मतदान चल रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए आपके अनुसार? भाई बेरोजगारी समस्या खत्म हो जाए, हाँ। विकास की जो है सड़कें बिजली पानी भी सब पब्लिक को ठीक ठाक मिले और उसी से सरकार बननी चाहिए, उसी उसमें सरकार से। तो आप ये मानते हैं बेरोजगारी है अभी? बेरोजगारी अभी है, बेरोजगारी। क्या क्या समस्याएं रही हैं? और समस्या तो यही है बेरोजगारी की, और आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो, राशन वगैरह सब सब कुछ ठीक ठाक मिलता है, हाँ सब मिलता है। आपके सामने कई सरकारें आई हैं, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगा अभी तक? मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही हम सही रहे हैं। अच्छा, क्यों सही लगे हैं वो जान सकते? इन्होंने बेरोजगारी मुद्दा भी खत्म कर, लगभग खत्म कर दिया था, सड़क वगैरह की बिजली पानी की समस्या भी और गुंडागर्दी भी इनके सरकार में सही रही है, सब सही लगा है योगी। हाँ सही लगा योगी जी सरकार। अब तो वो तो मशीन के ऊपर बात है, वोट किधर को आते हैं बनने चाहिए। पसंद तो योगी जी ही है, योगी जी मोदी। मेरा नाम मूलचंद शर्मा। शर्मा जी क्या लगता है इस बार क्या माहौल बन रहा है चुनाव में? चुनाव में माहौल योगी जी आवेंगे। योगी जी क्यों आएंगे वैसे? भाई ये तो ऊपर वाला है जाना, क्यों आवेंगे यो मत पूछो क्यों आवेंगे। नहीं ऐसा हुआ क्या है जो योगी जी आने चाहिए? आने चाहिए भाई। क्यों नहीं? एक बात तो पहले आप ये बताओ, आप कौन ब्रदर हो, कौन भाई हो आप? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हो, टांग फैला के सो रहे हो? हाँ हम तो पहले भी सोते थे। नहीं पहले नहीं सोते थे, पहले भी सोते पहले कच्चा बने आना सरिया मारी तैयार रखी रहती। मेरी याद में तो मैंने कभी ऐसी चीज सुनी नहीं है, मैं आपको बताऊं सच्चाई। बहुत ठीक है भैया। गुंडागर्दी वगैरह इसलिए इसलिए आप गुंडागर्दी गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म समझ लो। यहाँ 20 लौंडे खड़े हैं, 25 खड़े हैं, यही ये काम रहा था, ये लूटपाट बिल्कुल खत्म हो गई आपके अनुसार? तो सरकार बीजेपी तो भैया ये तो भगवान जाने किसकी आवेगी, हम जो कहाँ अपना काम करने का था वो कर आए। आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह, एडवोकेट। महिपाल जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 वर्ष। 50 वर्ष में कई सरकारें आई हैं, कई गई हैं, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगा है अभी तक? सबसे बेहतर मुख्यमंत्री नवयुवा पढ़ा लिखा अखिलेश यादव। जिन्होंने काम किया है? जिन्होंने काम भी किया है और युवाओं के लिए और तुम्हारे जितने शिक्षा मित्र रखे गए, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हुआ, किसानों को पेमेंट देने का काम हुआ, किसानों को सुविधाएं देने का काम हुआ, वो सारी अखिलेश यादव ने। कारोबार इतने थे कि यहाँ हमारे यहाँ जिले बिजनौर में पैसा, खुला पैसा था सारा, जिसके कारण कारोबार चल रहे थे। ये सरकार जब से आई है कारोबार इन्होंने बंद कर दिए हैं, खुला पैसा नहीं है, सबकी जेबें इठी हुई हैं। किसान आज परेशान है, ना आय दुगनी हुई है, ना 15-15 लाख आए हैं, ना 2 करोड़ रोजगार मिल पाया। तो सब परेशान है आपके अनुसार? मेरे हिसाब से सब परेशान है। तो बदलाव होगा इस बार? 100% बदलाव होगा। क्या नाम है जी आपका? मैं कुछ नहीं बता। क्या नाम है आपका? आशी तड़ियाल। आशी क्या करती हैं आप अभी? मैं स्टूडेंट। स्टूडेंट हैं आप? महिला के लिए कौन सी सरकार सुरक्षा दे पाई अभी तक आपके अनुसार? महिला के लिए सबसे पहले तो सेफ्टी, जो कि बहुत जरूरी है महिला के लिए, जिससे कि वो सब पढ़ने में भी और अच्छी हो और कॉलेज वॉलेज में जा सके, जिससे कि पहले जैसे होता था, जैसे हमारा अपना ही एक्सपीरियंस है कि जैसे हम ट्यूशन जाते थे सुबह 6 बजे के टाइम पे जाते थे, तो उस टाइम लेडी किलर का बहुत रूमर था हमारी सोसाइटी में या हमारे आस पड़ोस में। तो जब भी हम जाते थे तो हम साइकिल से जाते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हाँ हर कोई लेडी किलर ही घूम रहा है, या कभी चोटी काटने वाला घूम रहा है, या कभी कोई घूम रहा है, तो ऐसा में हमेशा खौफ रहता था कि कोई आ ना जाए। तो अब ये सबसे बड़ी सेफ्टी है कि योगी जी हैं और घूमते ही रहते हैं 100+100 नंबर वाली गाड़ी, तो इसलिए डर वर नहीं है। और रही बात और चीज़ों की, तो बात है जैसे राशन मिल रहा है, हमारे भी ये भी है कि हम अब महिलाओं के लिए ना सबसे सबसे ज़रूरी काम है कि वो पढ़े लिख के अपना कुछ कर रही हैं, तो इसलिए वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मोदी जी और योगी जी बहुत सपोर्ट करते हैं। हलीमा। हलीमा जी। हलीमा हलीमा जी, मतदान चल रहा है बिंदौर में इस बार जी, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए आपके अनुसार? मेरे पे तो या तो हो मोदी जी या हो फूल वाले,
दोनों एक ही हैं तो? हाँ, दोनों एक है तो है, पढ़ो हो, हमें बहुत सहायता मिल रही है इनसे। अच्छा, क्या सहायता मिल रही है? हमें पराठा मिल रहा, तेल का खाने को नाज मिल रहा फ्री। हाँ। और भैया पैसे भी आ रहा है किताब में, पैसे भी आ रहा। हाँ। तो सब सही चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है हमारे लिए तो। सरकार फूल आना चाहिए बता। हाँ, फूल आना चाहिए। अखिलेश जी में क्या दिक्कत है? अजी भैया, अखिलेश जी में वो बात नहीं है जो इनमें है, हिम्मत की भी तो बात होती है। अखिलेश जी में हिम्मत नहीं है? ना, वो हिम्मत नहीं, ये तेल है। देने की बस। हाँ, तेल देने के बाद दिया ही ना, आज तक पराठों के लिए तेल। फूल आना चाहिए। हाँ, फूल आना चाहिए जी हमारी तरफ तो। क्या नाम है जी आपका? जी नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? मैं साहब फर्नीचर का काम करता था, लेकिन अब तो रिटायर हो गया, अब कुछ नहीं करता। अब कुछ नहीं करते। उम्र कितनी हो गई आपकी? 75 साल। 75 साल। 75 साल में कई बार सरकारें आई हैं, कई बार गई? हाँ जी, कई बार आई, कई बार गई। हर 5 साल बाद मतदान होता है, इस हाँ। बार मतदान चल रहा है, आपके अनुसार किन मुद्दों पर मतदान होना चाहिए? क्या क्या मुद्दे होने चाहिए मतदान के, चुनाव के? मतदान तो साहब ये तीन की पार्टी चल रही, खास तौर से सपा, भारतीय जनता पार्टी और यो बसपा, बहुजन। हाँ। और थोड़ा से नलना भी काट रखे। हाँ। अच्छा, सरकार किसके बढ़िया लगी अभी तक? सरकार तो साहब जो हमें खाने को दे रही वही अच्छी लग रही है। जो नाज दे रही है, जो हमें दे रही है, और हमारी 60 साल की पेंशन भी बनवा दी, आज तक ना बनी बनना, सबसे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हमें तो यही अच्छी लग रही है, यही अच्छी लग रही है बस साहब। विमल कुमार वर्मा बनवा। आप क्या करते हैं वर्मा जी? अब मैं कुछ नहीं करता, पहले अब तो ये मेरी उम्र करीब 70 साल है, अब तो ये बच्चे हैं, लड़का है, ये घर वाली है। तो 70 साल की उम्र में कई सरकारें देखी होंगी प्रदेशों देश में? हाँ देखी, लेकिन सुरक्षा के मामले में सबसे बेटर यही थी, और जो है वही हमारे बच्चे हैं, ये BTC वगैरह कर ली है, अब बेरोजगारी के चक्कर में सबसे ज़्यादा ये है, रोजगार की समस्या। हाँ, रोजगार की, सुरक्षा बाकी सबसे नंबर वन। सुरक्षा में तो ये है कि रात दिन में हमें फिक्र नहीं रहता है, हमारा लड़का जा रहा है लौट जाएगा। अब पहले ये था कि कहीं जा रहा है, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, जरा सा भी मोटरसाइकिल टकरा जाएगी तो एकदम से लंबे चौड़े झगड़े हो जाते, वो नहीं है ऐसी बात, उसमें आदमी सुरक्षित है तो सब कुछ है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अब यहाँ रोजगार भी ना होगा तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, लेकिन सुरक्षा सबसे बेस्ट है। सुरक्षा के मुद्दे पर अपना हाँ, हम सुरक्षा के मामले में जाते हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसी परेशानी ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता वर्मा। सविता जी, महिला हैं आप, किन मुद्दों पर मतदान करके आई हैं? रोजगार के ऊपर। रोजगार। अच्छा, सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार मोदी की आनी चाहिए। मोदी जी की? योगी मोदी की। ठीक है, औरतें सुरक्षित हैं। औरतें सुरक्षित हैं इसलिए आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जकी। जकी जी। जकी, आप क्या करते हैं? छोटा मोटा काम कर लीजिए ऐसे साहब। छोटा मोटा काम चल रहा है। इस बार जो मतदान चल रहा है, किन मुद्दों पर मतदान होना चाहिए आपके अनुसार? मतदान तो बदलाव के लिए चल रहा है। तो बदलाव मतलब बीजेपी को भगाने का? हाँ, बस बीजेपी को भगाएंगे और बसपा को लेकर आएंगे। यही मतलब बसपा को लेकर आएंगे? अच्छा, बसपा को क्यों लेकर आएंगे आप? बसपा को यूँ लेकर आएंगे, कानूनी व्यवस्था अच्छी रहती है उसकी सरकार में, और जो है गुंडागर्दी नहीं रहती, महंगाई पे भी कंट्रोल रहता है, तमाम शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम करती है बहन जी, जैसे कि यूनिवर्सिटी बनवाई थी, प्राथमिक विद्यालय बनवाए थे 6,000 से ज़्यादा, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इन सरकारों में नहीं हुए। 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी चली उत्तर प्रदेश के अंदर, 2017 से लेकर अब तक योगी जी की गुंडागर्दी चल रही है, कहीं हाथरस में बेटी को जला दिया जाता है, कहीं कुछ कर दिया जाता है। BSP की सरकार में ना कोई दंगा रहा, ना कोई संप्रदाय परेशान रहा, सर्व समाज के लिए काम किया बहन जी ने, वो इसीलिए बहन जी की सरकार है। बहन जी सरकार चाहिए आपको। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु वर्मा है। दीपांशु, इस बार चुनाव चल रहे हैं, किन मुद्दों पर मतदान होना चाहिए आपके अनुसार? इस मुद्दों पर तो पहले सबसे पहले तो अपना ये सुरक्षा के सिक्योरिटी के तौर पर है, और फिर रोज़गार के तौर पर है, जो कि रोज़गार है, हर इंसान को रोज़गार मिलना चाहिए, घर में प्रत्येक व्यक्ति को तो रोज़गार मिलना ही चाहिए, और सुरक्षा है मेन तो, कि सुरक्षा, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। आपके अनुसार सुरक्षा और रोज़गार अभी तक सबसे बेहतर किसने दिया है? अभी ये कोई भी सरकार नहीं कर पाई है, सुरक्षा नाम पर तो अभी सरकार
चल पाया है, सुरक्षा के नाम पर तो है अभी जो पिछली सरकार कर पाई है, सुरक्षा काफ़ी हद तक गुंडागर्दी कम हुई है और महिलाओं को भी सुरक्षा मिली है, लेकिन रोजगार को अभी पूरा नहीं कर पाई है। रोजगार में अभी थोड़ा सफल नहीं दे पाई। सुरक्षा में सही लग रही है आप? सुरक्षा में सही है अभी जहाँ तक देखा जाए महिलाओं के लिए। नंदू सिंह जी आप क्या करते हैं? मैं खेती खेती करते हैं। हाँ जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 60 साल हो गई जी। 60 साल में कई सरकारें आई हैं, कई गई हैं। हाँ जी। अभी तक सबसे बेहतर कौन लगा है आपको? अब इनकी सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, खाद बढ़ गया और पशुओं ने बहुत दिक्कत है, जंगल में पशु बहुत दिक्कत है। ये किसानों की प्रमुख समस्या है? प्रमुख समस्या है पशुओं की, सारे चारा खा गए साहब सब। अच्छा, मील की पेमेंट के क्या हाल है आप लोगों? मील की पेमेंट भी इनसे पीछे ही चल रही है, सही नहीं दे पाई। जैसे 14 दिन का बोलती सरकार, वो उसके पीछे ही है, महीना भर पीछे चल रहा है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप सरकार को? भाजपा को तो इस टाइम तो जीरो ही हो रही है साहब, जीरो हो रही है। हाँ। अच्छा, किसका रुझान, किसका पल्ला भारी लग रहा है आपके अनुसार? अब तो गठबंधन का आ गया साहब, गठबंधन का पल्ला भारी। हाँ जी। मेरा नाम है जी रमेश चंद्र। रमेश चंद्र जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 73 साल। 73 साल में कई मुख्यमंत्री आए हैं प्रदेश में, सबसे बेहतर कौन लगा है अभी तक आपको? सबसे बेहतर चरण सिंह लगे, दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह। अच्छा, क्यों बेहतर लगे? किसानों की समस्याएं और आम पब्लिक की बात सुनते थे, उनके कल्याण का काम करते थे। ये 5 साल कैसे निकले? घुटन में क्या क्या घुटन रही है? भाईचारा खराब करा इन्होंने, महंगाई बढ़ा दी, किसान का गला घोट दिया, सुनी किसी की नहीं। ये तो अपने विधायकों की भी ना सुनते। अब किसका पल्ला भारी लग रहा है इस बार? गठबंधन का पल्ला भारी। आपका एच एम जैदी साहब, आज मतदान है, किन मुद्दों पर मतदान होना चाहिए आपके अनुसार? क्या क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के? बेरोजगारी, महंगाई और जो ये किसानों के साथ ज्यादती हुई है उसके ऊपर, इन्हीं पे चुनाव होना चाहिए। महंगाई है, महंगाई भी है बहुत ज्यादा, समस्या है रोजगार की, समस्या है एजुकेशन की, समस्या है और आपका किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, किसानों के साथ समस्या है, ये सारी समस्या है। गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, इसकी समस्या है, इसी पे चुनाव होना चाहिए। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। जी आपका? मेरा राम अवतार सैनी है जी। राम अवतार सैनी जी। सैनी जी, मतदान चल रहा है आज बिजनौर में, किन मुद्दों पर आपके अनुसार इस बार सरकार बना पाएगा कोई? योगी की आवेगी। अच्छा, क्यों आएगी योगी जी की? वैसे वो उसमें हर आदमी संतुष्ट है, कोई झगड़ा नहीं, कोई ऐसा माहौल खराब नहीं, लड़की किसी भी टाइम आ सकती है, किसी भी टाइम जा सकती है। अच्छा, पहले कैसा माहौल था? पहले तो बहुत खतरनाक माहौल था, कितने दंगे हुए, गुंडागर्दी कितनी रह गई थी। तो आप सुरक्षा के मुद्दे पर योगी जी को लाना चाहते हैं? जी। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? रफत। आप बिंदु में चुनाव है जी, आपके अनुसार क्या लग रहा है, किसका रुझान चल रहा है? गठबंधन। गठबंधन का रुझान चल रहा है। आपको किसकी सरकार चाहिए? अखिलेश की सरकार क्यों चाहिए? वैसे नौकरी नहीं, बेरोजगारी है, दंगा फसाद सब बचना है, मंदिर मस्जिद के मामले से हटना है, भाई यही चाहिए। इस मुद्दे पर आप इस बार वोट दे कर आए अखिलेश? हैं, इन मुद्दों पर आप वोट दे कर? सरकार अखिलेश की बने। ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मतदान हो रहा है आज जी, किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है? हर मुद्दे पर है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? रोजगार है, नौकरी है और बेतरी बहुत सी समस्या है। 5 साल में रोजगार मिल पाया, नहीं मिल पाया? वैसे तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों की यही है कि कमी है। तो इस बार कौन सी पार्टी किस तरफ? यहाँ तो इस टाइम तो गठबंधन का है। आप भी गठबंधन की सरकार जी। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, क्या करते हैं आप? हमारा फास्ट फूड का काम तो सिलो है, सबके सिलो है। अच्छा, युवा हैं आप, इस बार जो भी सरकार आएंगी क्या क्या मांगे हैं युवाओं की? मांगे रोजगार है और शिक्षा है और बहुत बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, आप ये मान रहे हैं? यस। अच्छा, सरकार किसकी आनी चाहिए आपके अनुसार? सरकार आनी चाहिए गठबंधन की सरकार आनी चाहिए। नल चलेगा इस टाइम। ठीक। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र सिंह।
महेंद्र सिंह जी, आप बिजनौर में मतदान चल रहा है, आपके अनुसार किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार, क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के? शांति प्रिय प्रदेश में शांति बनी रहे, और झगड़े टंटों से बचे रहे, और ये चोरी लूटपाट सब बचे रहे, जिससे जो है जो भी पार्टी आवे शांति प्रिय जो है प्रदेश में शांति स्थापना की स्थापना होनी चाहिए, इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, और विकास भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो है अधिकारी बेलगाम है, बीजेपी शासन में अधिकारी बेलगाम है, ये भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इन पर कोई लगाम नहीं अधिकारियों का, भ्रष्टाचार है आपके अनुसार? हाँ, मेरे हिसाब से है। और क्या क्या समस्याएं रही हैं वैसे? समस्या तो सारी नहीं, कोई समस्या देखो बीजेपी ने ये अच्छा करा लोगों को, इसे कोविड काल में इतना अनाज बांटा गरीबों को, बढ़िया काम करा है ये, वैसे बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, और बीजेपी के सरकार भी बढ़िया चली है, शांति व्यवस्था, कोई झगड़ा टंटा बीजेपी के इस 5 साल में नहीं हुआ है, योगी के योगी बढ़िया मुख्यमंत्री, बढ़िया मुख्यमंत्री लगे अभी, बढ़िया मुख्यमंत्री है। आज हो गई वैसे आपकी? मेरी उम्र जो है 72 साल हो गई, 73 में चल रहा हूँ। 72-73 साल में कई सरकारें आई हैं, कई गई हैं, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगा है अभी तक? बीजेपी सरकार में ऐसा मुख्यमंत्री मिला है हमें, ये जो जिसने बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री रहा, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया है इस प्रदेश को, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला है। बीजेपी को इस बार प्रत्याशियों के टिकट चेंज करने चाहिए, प्रत्याशी से खुश नहीं थे जनता है, प्रत्याशियों से खुश नहीं थे, खास तौर से मौसम जो है, उनने विधायक को कोई काम नहीं करने दिया, उसे बंधन में रखते थे, उस विधायक को जो है बंधन में रखते थे, और उनने कोई काम नहीं करने दिया, वो जब से जेल से आ गया, जब से उनने जो है, और लोगों से तमीज से बात नहीं करता था, बदतमीज से बात करता था। विधायक का टिकट चेंज होने चाहिए आपके अनुसार? हाँ, हमारे सरकार बढ़िया है, हाँ सरकार बढ़िया, लेकिन विधायकों के टिकट, कुछ विधायकों के चेंज होने जरूरी थे, क्योंकि बिजनौर की जनता जो है, भाई जनता जिसे नहीं चाह रही है उसे आप टिकट दे रहे हैं, तो यहाँ टिकट चेंज होने बहुत जरूरी थे। ये कपिल लाठी, कपिल लाठी, हाँ जी। कपिल जी क्या करते हैं आप? जी भाई खेती करते हैं। खेती करते हैं, किसानों की क्या क्या मांगे हैं इस बार? किसानों की मांग तो आज लोग इसे पूरी हुई ना जी, ऐसी क्या मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई? किसानों की मांग तो कोई भी सरकार आ जाओ पूरी करने की ना, ये जो कुछ की कुछ करेंगे ना किसानों को, तो जो मिल जाए वो थोड़ा ही है, बाकी जो चुनाव हो रहे हैं क्या होना चाहिए इनमें आपके अनुसार? चुनाव में जी योगीनाथ आने चाहिए दोबारा। अच्छा क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं किसानों के लिए, कैसे रहे हैं किसानों के लिए? भी बढ़िया रहे। अच्छा, आवारा पशु की किसानों की बड़ी समस्या है भाई, वो समस्या कहेंगे कितनी बार भगाने जाते हैं? एक बात सुन लो, आवारा पशु भी छोटे भी तो हम नहीं है, योगी जी या मोदी जी ने तो छोटे नहीं है, उन्होंने तो उन्हें कटने से बचाया, तो आप कहते हैं योगी जी बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, ठीक। हाँ जी, गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए था, रेट कम बढ़ाया, तो इस पर नाराजगी है कुछ? हाँ, तो कुछ किसानों को ना, सभी किसानों को नाराजगी, भाई 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए, कम से कम 50 रुपये तो बढ़ाने थे, कम से कम 50 रुपये बढ़ाने चाहिए, हाँ। तब जाके नाराजगी दूर होती, जब जाके नाराजगी दूर होती, बाकी सब सही रहा है, बाकी सब सही रहा भाई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।